जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरुजी स्टडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप ट्वेंटी जीके के क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि बहुत से एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और इन प्रश्न में से किसी भी प्रश्न का अगर आपको आंसर पता होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर लिख देना है और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर देना है अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना है वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेलाइकन को भी प्रेस कर लेना है ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंचती रहे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मनुष्य के शरीर में आहार यानी कि भोजन मुख्यता किसमें पचता है ऑप्शन नंबर ए है छोटी आंत ऑप्शन नंबर बी है बड़ी आंत ऑप्शन नंबर सी है यकृत और ऑप्शन नंबर डी है उधर तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छोटी आंत अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मानव शरीर में जल की मात्रा कितना प्रतिशत होता है ऑप्शन नंबर ए है दस प्रतिशत ऑप्शन नंबर बी है बीस प्रतिशत ऑप्शन नंबर सी है अस्सी प्रतिशत और ऑप्शन नंबर डी है साठ प्रतिशत तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है और सारे के सारे सभी इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए फ्रेंड्स और चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को भी प्रेस कर लीजिए तो इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अस्सी प्रतिशत होता है अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स बहुत बार रिपीट होते हैं तो अच्छे से देख लीजिए मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है ऑप्शन नंबर ए है फोर ऑप्शन नंबर बी है सेवन पॉइंट फोर ऑप्शन नंबर सी है सिक्स पॉइंट वन और ऑप्शन नंबर डी है फाइव तो इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेवन पॉइंट फोर होता है अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा टिबिया नामक हड्डी कहां पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी हमारे शरीर में कहा पाई जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है टांग में ऑप्शन नंबर बी है हाथ में ऑप्शन नंबर सी है नाक में और ऑप्शन नंबर डी है कान में तो इसका उत्तर जल्दी से आप बता दीजिए फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को हमारे साथ जोड़िए ताकि वो भी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख पाएं तो इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए टांग में अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम एक मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं ऑप्शन नंबर ए है पचास से साठ बार ऑप्शन नंबर बी है दस से पंद्रह बार ऑप्शन सी है सोलह से अठारह बार और ऑप्शन नंबर डी है बीस से चालीस बार तो इसका उत्तर होता है दोस्तों सोलह से अठारह बार लेते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है ऑप्शन नंबर ए है छप्पन डिग्री सेल्सियस ऑप्शन नंबर बी है सैतीस डिग्री सेल्सियस ऑप्शन से नंबर सी है अड़तालीस डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन नंबर डी है पैंसठ डिग्री सेल्सियस तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों आपने इन सारे प्रश्नों को बहुत बार सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सैतीस डिग्री सेल्सियस अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मानव शरीर में क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है क्रोमोसोम को फ्रेंड गुणसूत्र कहते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए है छियालीस ऑप्शन और बी है चौंतीस ऑप्शन नंबर सी है सैतालीस और ऑप्शन डी है अड़तालीस तो चलिए बताइए फ्रेंड्स ये एक्चुअली सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए इसका आंसर आपको भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है तो इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए छियालीस अगला क्वेश्चन है दोस्तों मनुष्य का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है ऑप्शन नंबर ए है छियालीस बार ऑप्शन नंबर बी है बहत्तर बार ऑप्शन नंबर सी है 64 बार और ऑप्शन नंबर डी है अड़तालीस बार तो इसका उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिए इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बहत्तर बार अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितना होता है तो इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो कौन सा है ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर बी है कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर सी है ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर डी है हीलियम तो चलिए इसका उत्तर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है अगला क्वेश्चन है दोस्तों गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है यानी कि कौन सी गैस भरी जाती है गुब्बारे में इसका आंसर आपको देना है ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर बी है हीलियम ऑप्शन नंबर सी है नाइट्रोजन और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड

प्रक्रिया है दही जब जमता है तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है ऑप्शन नंबर है रासायनिक प्रक्रिया ऑप्शन है भौतिक प्रक्रिया ऑप्शन है दोनों प्रक्रिया और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं तो इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर रासायनिक प्रक्रिया अगला क्वेश्चन है दोस्तों मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक मात्रा में पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए है बी प्लस ऑप्शन तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी प्लस अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है सिंदूर ऑप्शन नंबर बी है धोने का सोडा ऑप्शन नंबर सी है खाने का सोडा और ऑप्शन नंबर डी है कास्टिक सोडा तो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आपको देना है फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आ रहा है और फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए फ्रेंड्स एक लाइक इस वीडियो को आपको जरूर कर देना है और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कर देना है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और बेलाइकन को भी प्रेस कर लेना है तो इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी धोने का सोडा अगला क्वेश्चन है दोस्तों पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है पादपों में जल के परिवहन का कार्य कौन करता है ऑप्शन नंबर ए है कर्टेकस ऑप्शन नंबर बी है जाइलम ऑप्शन नंबर सी है प्रेम और ऑप्शन नंबर डी है कैबियम तो इसका उत्तर होता है दोस्तों जाइलम अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा मधुमेह रोग किस कमी से होता है मधुमेह रोग किस कमी से होता है ऑप्शन नंबर ए है विटामिन की कमी से ऑप्शन नंबर बी है इंसुलिन की कमी से ऑप्शन नंबर सी है वसा की कमी से और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटीन की कमी से तो इसका उत्तर होता है दोस्तों इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं ऑप्शन नंबर ए है एक ऑप्शन नंबर बी है दो ऑप्शन नंबर सी है तीन और ऑप्शन नंबर डी है चार तो इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एक अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया ऑप्शन नंबर ए केपलर है कैपलर ने ऑप्शन नंबर बी है आर्यभट्ट ने ऑप्शन नंबर सी है कापर निकस ने और ऑप्शन नंबर डी है न्यूटन ने तो इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी न्यूटन ने दिया अगला क्वेश्चन है दोस्तों ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है ऑप्शन नंबर ए है निर्वात में ऑप्शन नंबर बी है इस्पात में ऑप्शन नंबर सी है जल में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं तो इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस्पात में अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा गाय का गर्भाकाल कितने दिनों का होता है ऑप्शन नंबर ए है बी है 280 दिनों का और ऑप्शन नंबर सी है 270 दिनों का और ऑप्शन नंबर डी है 260 दिनों का तो इसका उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 280 दिनों का तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे टॉप ट्वेंटी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और फ्रेंड्स एक और बात बताना चाहेंगे वीडियो को पॉज करने से पहले थोड़ी देर के लिए हमारी बात सुन लीजिए हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है जैसे कि आप कोई भी बुक खरीदने जाते हैं फ्रेंड्स दो तीन सौ लगता है आपका तो फ्रेंड्स उसी तरह से फ्रेंड्स हम आपका सारा पैसा बचाने के लिए उस सारे बुक को पीडीएफ में बदल दिए हैं बुक को पीडीएफ में बदल दिए हैं जिसको कि आप लेंगे तो आप अपने फोन में भी पढ़ सकते हैं कोई भी पेज मिसिंग नहीं होगा उसका सारा पेज रहेगा बुक का आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं तो वहां से आप जाके ले सकते हैं पीडीएफ को आप जाके एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा कि आपको उनमें से कौन सा बुक पसंद है और किसको आप ले रहे हैं